लिगाई माता मंदिर स्त्री रूप में होती है शिवलिंग की पूजा, साल में एक बार खुलता है मंदिर। की मान्यता है यहाँ ककड़ी खाने से होती है संतान की प्राप्ति। हमारे देश भारत के हर हिस्से में प्राचीन मंदिरों की भरमार है। इसमें से कई मंदिर तो बहुत प्रसिद्ध हैं, जिसके बारे में सब लोग जानते हैं, और अब भी कई मंदिर अधिकांश लोगों की पहुंच से दूर हैं। ऐसे ही अनजाने मंदिर झारखंड और छत्तीसगढ़ के दुर्गम इलाके में स्थित है, और साथ ही यह क्षेत्र नक्सल प्रभावित भी है, इसलिए यहाँ केवल स्थायी लोग ही पहुँच पाते हैं। ऐसा ही एक अनजाना मंदिर है लिगाई माता मंदिर, जो कि अलौर गांव की गुफा में स्थित है। वास्तव में इस मंदिर में एक शिवलिंग है। मान्यता है कि यह माता लिंग रूप में विराजित हैं। शिव शक्ति के वास्तविक स्वरूप को लिगाई माता के नाम से जाना जाता है। अलौर गांव में स्थित है मंदिर। परस गांव से लगभग 8 किलोमीटर दूर पश्चिम से बड़े डोगोर मार्ग पर ग्राम अलौर स्थित है। ग्राम से लगभग 2 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिम में एक पहाड़ी है, जिस पहाड़ी को लिगाई माता के नाम से जाना जाता है। इस छोटी सी पहाड़ी के ऊपर विरासत फैला हुआ है। चट्टान के ऊपर विशाल पत्थर है। बाहर से अन्य पत्थर की तरह दिखने वाला यह पत्थर स्तूप नुमा है। इस पत्थर की संरचना को भीतर से देखने पर ऐसा लगता है कि मानो कोई विशाल पत्थर को कटोरा नुमा तराश कर चट्टान के ऊपर उलट दिया गया है। इस मंदिर की दक्षिण दिशा में एक सुरंग है, जो इस गुफा का प्रवेश द्वार है। द्वार इतना छोटा है, बैठकर या लेटकर ही प्रवेश किया जा सकता है। गुफा के अंदर 25 से 30 आदमी बैठ सकते हैं। गुफा के अंदर चट्टान के बीचों बीच से निकला शिवलिंग है, जिसकी ऊंचाई 2 फीट के आसपास है। श्रद्धालुओं का मानना है कि इसकी ऊंचाई पहले कम थी, लेकिन समय के साथ यह बढ़ गई है। वर्ष में एक बार खुलता है मंदिर। परंपरा और लोक मान्यता के कारण इस प्राकृतिक मंदिर में प्रतिदिन पूजा अर्चना नहीं होती। वर्ष में एक दिन मंदिर का द्वार खुलता है और इसी दिन यहाँ मेला लगता है। संतान प्राप्ति की मन्नत लिए यहाँ पर हर वर्ष हजारों की संख्या में श्रद्धालु जुटते हैं। प्रति वर्ष भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष नवमी तिथि के प्रशांत आने वाले बुधवार को इस प्राकृतिक देवालय को खोल दिया जाता है, तथा दिन भर श्रद्धालुओं द्वारा पूजा आराधना एवं दर्शन किए जाते हैं। इस साल यह मंदिर 10 सितम्बर को खोला गया था। ये थी SM News की रिपोर्ट।